नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बेर की खेती के बारे में। यह बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो जेटीएस मनीराम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दे तो पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब हम बात करेंगे बेर की खेती के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करें बेर की कौन कौन सी किस्में हैं जिन्हें अपनाकर हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सेव किस्म के बारे में, जिसे थाई एप्पल, सेव या एप्पल किस्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बेर का प्लांट है ये एप्पल किस्म का या सेव किस्म का प्लांट है। इस किस्म के पौधे पर कांटे भी कम आते हैं तथा उत्पादन भी अधिक होता है। रोग व कीटों का प्रकोप भी कम होता है तथा इसका प्रथम साल उत्पादन 50 केजी के लगभग या 25 केजी के लगभग हो जाता है तथा दूसरे साल 50 केजी, तीसरे साल 1 क्विंटल के लगभग इसका उत्पादन हो जाता है। और बेर की अन्य महत्वपूर्ण किस्में हैं गोला, केतली, थार सेविका, बनारसी, इलायची और गोमा कीर्ति। बेर की खेती गर्म जलवायु एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है, क्योंकि बेर एक कम पानी चाहने वाला पौधा है, इसलिए राजस्थान की जलवायु बेर की खेती के लिए उपयुक्त है। बेर के पौधों की रोपाई वर्षा ऋतु के समय की जाती है। बेर के पौधों को रोपने के लिए 8 से 10 मीटर की दूरी पर गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे को अच्छी तरह से सड़ी गोबर की खाद या केंचुए की खाद से भर दिया जाता है तथा 15 से 30 दिन के लिए खुला रखा जाता है। उसके पश्चात उसके अंदर पौधों की रोपाई की जाती है। बेर के पौधे में छंगाई, प्रूनिंग या कटाई अप्रैल मई माह में की जाती है, जब फलों की तोड़ाई हो चुकी हो। इसके बाद या पहले पौधों की छंगाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखें पौधे में फलों की तुड़ाई के तुरंत पश्चात कटाई कर देनी चाहिए। बेर के पौधे में लगने वाला मुख्य रोग है छाछिया रोग, जिसे पाउडर मिल्ड्यू भी कहते हैं। इस रोग के कारण छोटे फलों व पत्तियों पर सफ़ेद रंग का चूर्ण दिखाई देता है, परंतु जब फल पकने लगे तो यह चूर्ण नहीं दिखाई देता है। इस रोग से बचाव के लिए पौधों पर जब लक्षण दिखाई देने लगे तब केराथन या डाइकोनेप दवा का छिड़काव करें। केराथन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से 2 बार छिड़काव करें। अब हम बात करेंगे बेर में लगने वाले पत्ती धब्बा रोग के बारे में। इस रोग के कारण पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हेक्सागोनोजोल नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अब हम बात करेंगे बेर के फलों में लगने वाले कीटों के बारे में। फल मक्खी बेर का सबसे महत्वपूर्ण कीट है, जो सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। इसका प्रकोप फल के पकते समय अधिक होता है। 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन दवा का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहें। यदि आप यह दवा नहीं छिड़कना चाहते हैं तो आप मिथाइल यूजिनोल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए आप 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ मिलाकर पानी को गर्म कीजिए तथा गर्म करने के बाद जब इसका सिरा बन जाए तो उसे ठंडा करने के बाद उसमें 15 से 20 एमएल मेलाथियन और 8 से 10 बूंद मिथाइल यूजिनोल को मिलाकर जहां पौधे लगाए गए हों वहां पर 4 से 6 जगह प्यालों में भरकर रख दे। इसमें सड़े हुए फलों की गंध आती है। जब फल मक्खी खेत में फलों पर अटैक करेगी तब वह पहले प्यालों में रखे इस घोल को चखेगी, जिससे वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे हम हमारे पौधों पर हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से बच जाएंगे। धन्यवाद।